हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण जीत एंड आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। आप सब ने देखा होगा कि लास्ट 3-4 दिनों से कतार में जो मिसमी और चकमा लोगों के बीच जो बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर जो झड़प हुई, वो घटना सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रखा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में भी काफ़ी कवरेज मिला है। लेकिन ये जो स्टोरी है जो दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक तरफा स्टोरी दिखाया जा रहा है और एकदम इस चीज़ को सेंसेशनल करके दिखाया जा रहा है। इसको बेवजह ही कुछ लोग कम्युनल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सच तो ये है कि ये कोई कम्युनल इशू नहीं है। यह सिर्फ एक जगह को लेके, एक बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट है कुछ मिसमी और कुछ चकमा लोगों के बीच में। बल्कि ये डिस्प्यूट जो है कतान एरिया और दीवान एरिया में बहुत टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट there has been number of such incidents that happened in the past as well, aur isko communal issue nahi samajhna chahiye. sabse pehle to ye jo provocation aur violence jo dono hi taraf se hui thi, us cheez ko hum sab logo ko ninda karni chahiye. as civilized people there should not be a place for this kind of provocation and violence in the society. और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंसिडेंट ऑफ कथान इन ए मोर अनबायस्ड वे और फैक्ट्स के साथ। 16 तारीख को ड्यूरिंग डे वाक्रो पुलिस और कुछ मिसमी लोग वो डिस्प्यूटेड एरिया में आते हैं और चकमा लोगों के साथ में उनकी कहा सुनी हो जाती है रिगार्डिंग दैट डिस्प्यूटेड एरिया एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बुद्धिस्ट टेम्पल ओवर देयर। कहा सुनी हुई थी लेकिन there was no violence. later on police aur mismi log chale gaye aur chakma logo ko pata chalta hai ki un logo ka mandir mein jo idol tha wo gayab hai aur kuch logo ne bataya ki unhone dekha ki buddhist idol ko wo log leke ja rahe the. to us area ke chakma logo ne plan kiya ki let's go and respectfully ask the idol back from the mismis. so in the evening around 10 to 15 चकमास लोग जो है कथान बस्ती जाके आइडल को मांगने गए। वहाँ में कहा सुनी हो गई और फिर झगड़ा शुरू हो गया। दिस इज द एक्चुअल इंसिडेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चकमा लोग कथान बस्ती में अटैक करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपना जो बुद्धिस्ट आइडल है उसको वहाँ से वापस लेने के लिए, वापस मांगने के लिए गए थे। rest the matter is already under investigation by the police or already sub judice in the court of law. to iske bare mein zyada kuch bolna is of no use. lekin we must try to understand the actual dispute aur usko kya karna hai. dekha jaye to mainly iske 2-3 reasons hain. pehla reason to ye hai ki बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन मिसमीज एंड चकमास इन दिस एरिया वॉज नेवर क्लियर। इवन की जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है बिटवीन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एंड द लोहित डिस्ट्रिक्ट, वो भी क्लियर नहीं है। और चकमा लोग भी लाइक अदर ट्राइबल पीपल झूम खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, यू नो समटाइम्स लाइक नॉमेड्स। तो इस एरिया में बाउंड्री को लेके, ज़मीन को लेके इस तरह के विवाद पहले भी होते रहे हैं। सेकेंड रीज़न यह है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर बाउंड्री डिमार्केशन को ठीक करने के लिए इस डिस्प्यूटेड एरिया में मिसमी कम्युनिटी और सिंगफी कम्युनिटी के बीच एक जॉइंट सर्वे किया गया। हालांकि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है चकमा लोगों और मिसमी लोगों के बीच में है, लेकिन चकमा लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया और सर्वे हो जाने के बाद भी चकमा लोगों को बताया नहीं गया कि ये नया बाउंड्री डिमार्केशन कहाँ है। इवन till today almost after 2.5 months of that boundary survey demarcation, chakmas are not aware of the new boundary demarcation. in logo ko pata bhi nahi ki naya boundary kahan se kahan bani, naya boundary ka coordinates kahan se kahan jata hai. mere khayal se agar chakma logo ko bhi us boundary dispute boundary demarcation survey mein include kiya jata as stakeholders या एज इमीडिएट नेबर्स ऑफ द मिसमीस, तो शायद
यू नो ये इंसिडेंट भी नहीं होना था. और थर्ड रीज़न इज़ बेसिकली अ हिस्टोरिकल रीज़न. आप सबको मालूम ही होगा कि जब चकमा लोगों को इस एरिया में, दीवान एरिया में सेटलमेंट दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अ डेफिनेट प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन इन 1964-69, उस वक्त अंडर दीवान सेटलमेंट स्कीम चकमाज वेर अलॉटेड लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ दीवान रिवर अप टू द एरिया जहाँ आज चकमा लोगों का और सिंगफो लोगों का बाउंड्री है. सो बैक देन एज वेल मिसमीस एंड चकमाज वेर शेयरिंग कॉमन बाउंड्री. बैक देन एज वेल चकमाज एंड मिसमीस हैड बाउंड्री डिस्प्यूट एंड ऑन द बैंक ऑफ दीवान रिवर एंड उसके आसपास के एरिया में चकमाज हैड फोर विलेजेस बाय द नेम ऑफ बोधिसत्ता 1, 2, 3 एंड बोधिसत्ता 4. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, शायद बिकॉज ऑफ द सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ द then is the government and the continuous pressure and harassment tactics by the neighboring community during 80s wahan se teen bastiyan chakma logo ko khali karne pade. And I'm talking about the three bodhisattva villages near the Divan river aur uske aas paas ke area mein. Aur is time se hi jo hai ye kathan area mein, Divan area mein chakma aur mismi logo ka ke beech mein jo hai boundary area ko leke dispute tha. लेकिन लास्ट 15-20 सालों में चकमा लोग, यू नो व्हाट हैपेंड इज दे लॉस्ट ह्यूज चंक ऑफ लैंड ड्यूरिंग दिस डेवास्टेटिंग फ्लड्स ईयर आफ्टर ईयर. और इस वजह से हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज बिकेम लैंडलेस. और आप सब तो जानते ही होंगे कि चकमा लोगों को गवर्नमेंट ना ही नौकरी देती है ना ही एसटीपीआरसी देती है. और डिस्पाइट 90% ऑफ चकमाज बींग सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय बर्थ दे डोंट हैव सो मेनी राइट्स एंड एंटरटेनमेंट्स. और ये लोग अपना सस्टेनेंस के लिए करे तो क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, उन तीन बस्तियों में फिर से जाके बस गए और अभी भी बस रहे हैं. दिस इज यू नो द एक्चुअल इशू. थिंग इस चीज़ को जो है कुछ लोग एनक्रोचमेंट बोल रहे हैं विच इज़ नॉट राइट. बट यू नो वट चकमाज आर ट्राइंग टू डू इज़ टू टेक रीपोजिशन ऑफ दोज land which actually belonged to them as they were allotted to them. Mere khayal se these are the three main reasons jiske wajah se Mismi logo aur Chakma logo ke beech mein ye dispute hota aa raha hai. Uske alawa maine dekha hai ki social media mein kuch log gandi bhaddi bhaddi galiyan ek dusre ko de rahe hain aur ye log dono taraf se hain. Isliye maine un sab ko kehna hai ki ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है और इसको तुरंत बंद करना चाहिए. मैंने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया में चकमा लोगों को रिफ्यूजी कह के प्रोवोकेट किया जाता है. वेरस देखा जाए तो इट्स नॉट ट्रू एंड इट्स नॉट लीगली करेक्ट एज वेल, क्योंकि आज के दिन मोर देन 90% ऑफ चकमाज आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री बाय बर्थ. जब 90% ऑफ चकमाज आर सिटीजन्स, वाई शुड चकमाज बी कॉल्ड रिफ्यूजीज? कोई इन डजेंट मेक अ सेंस. और ये भी मैंने देखा है कि अक्सर चकमा लोगों को टिबेटियन रिफ्यूजीज के साथ में कंपेयर किया जाता है. अरे भाई, दिस टू इश्यूज आर यू नो टू डिफरेंट इश्यूज, दे आर पोल अपार्ट. एक तो टिबेटियन रिफ्यूजीज दे लिव इन देयर डेजिग्नेटेड रिफ्यूजी कैंप्स, लेकिन चकमास दे लिव इन दे डोंट लिव इन रिफ्यूजी कैंप्स बट दे लिव इन देयर ओन सेटलमेंट विलेजेस. और दूसरा ये है कि Tibetan refugees, they came here on temporary basis. Lekin chakmas were brought here by the government of India, not for temporary basis, but for permanent settlement. वैसे आप सबको जान के हैरानी होगी कि पहले चकमा लोगों को गवर्नमेंट ने एक नागरिक के तौर पर सारे अधिकार दे रखे थे, including trade license, gun license, allotment of land, ration card, panchayati raj, government jobs. लेकिन धीरे धीरे सिस्टमेटिकली इन सब अधिकारों को, इन सब राइट्स को वापस ले लिया गया और आज हम लोगों के सामने क्या है, इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ सो कॉल्ड चकमा हाजोंग रिफ्यूजी इशू, नेवर एंडिंग इशू. और इस इशू को इस्तेमाल करके जाने कितने लोग एमएलए बन गए, एमपी बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, हिसाब नहीं है. खैर जो भी हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त
let's try, let's there be peace and harmony amongst us. And मुझे लगता है अभी टाइम आ गया है कि द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अरुणाचल ऑल्सो नीड टू रिकग्नाइज द फैक्ट दैट वॉट एवर मे अरुणाचल इज ऑल्सो द होम ऑफ चकमास नाउ एंड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया द चकमास ऑल्सो हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस पीस एंड हार्मनी एज मच एज दे हैव द राइट टू एक्सपेक्ट सर्टेन सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट. आई होप आपको मेरे ये विचार इस इशू के बारे में पसंद आए होंगे. थैंक यू वेरी मच और जय हिंद, जय अरुणाचल.